हेलो दोस्तों, इसमें मैं इस वीडियो में आज मैं आपको पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ जो मैंने वेयर कर रखी है। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया था, इस तरह डबल फोल्ड में करके मैंने रख लिया है। सबसे पहले जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा था हमारा, जो जिसमें कान था, वो हमें सीधा करके निशान लगा लिया है। बाद में से हम एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। उसके बाद हमें हिप के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। जैसे कि मैं इसमें हिप का जो साइज़ था वो 40 था, तो 40 का 4th हो गया 10, उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है, तो 11.5 आएगा टोटल। नीचे भी हमें 11.5 पर निशान लगा लिया है। बाद में हम इस लाइन को सीधा कर देंगे। और जो इसका आसन का निशान है वो हमें अपनी वेस्ट के अनुसार लगाना है। जैसे कि ये जो 34 हिप का उसमें वेस्ट का साइज़ था, तो उसका 4th हिस्सा निकालना है हमें। जो 8.5 आया था उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। जो 9 इंच था, 1 इंच हमारा बेल्ट के लिए, तो इसमें मैंने 10 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद इस लाइन को यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाना है, जिसकी हमें गोलाई देनी है 2.5 इंच पे। ये हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा है जो हमने लिया है। नीचे भी इसी पे निशान लगाना है हमें। यहाँ से आसन की जो गोलाई थी वो हमारी 2.5 इंच पे जाएगी। इस तरीके से उसे राउंड शेप दे दीजिए। उसके बाद हमें इसका बीच सेंटर निकालना है। तो जितना भी हमारा लेंथ आएगी उसका हमें बीच बीच सेंटर निशान लगाना है, क्योंकि जो हमारा इसमें मोहरी बनेगी वो हमें इस बीच सेंटर के हिसाब से ही निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हमें टोटल लेंथ लेनी है। तो इसमें मेरी 37 इंच टोटल लेंथ थी, तो उसमें से हमें बेल्ट के लिए माइनस करना है। ये 1.5 इंच की हमारी बेल्ट थी, तो 37.5 में 35.5 बचा। 35.5 में नीचे हमें मोहरी के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 37.5 हमें टोटल लेंथ लेनी है। तो 37.5 पे हमने टोटल इस पर निशान लगा लिया। ऊपर हमने 1/2 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा छोड़ दिया था पहले ही। उसके बाद हमें 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लिया। 2 इंच पे निशान लग गया है हमारा, जो हमारा इसमें मोहरी में पलटने में आएगा। उसके बाद इसका भी 20 सेंटर हमें पहले यहाँ से जो हमारा ऊपर 20 सेंटर था वही निशान हमें यहाँ पे नाप के लगा लेना है। उसके बाद हमें मोहरी का निशान लगाना है, जितनी भी हमारी मोहरी थी उसको दोनों तरफ से इक्वल करके लगा लीजिए। और 1/2 इंच हमें यहाँ पे मार्जिन के लिए ऐड कर देना है इस तरीके से। उसके बाद सेफर पट्टी से हमें इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेना है। दूसरी साइड भी हमें सेफर पट्टी से इस तरीके से लाइनों को मिला लेना है। उसके बाद जो हमारा कोना निकलना रहता है उसको भी हमें इस तरीके से गोलाई देनी है, ताकि जो ये कोना उठा उठा सा दिखता है हमारा पहनने के बाद वो ना दिखाई दे। इस तरीके से आप इसे गोलाई दे दीजिए। यहाँ से ये फिटिंग में और शेप में काफ़ी अच्छा आ जाता है। फिर तो हमारा ये फ्रंट पार्ट की पूरी वो हो चुकी है। अब इसे हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसका बैक पार्ट करेंगे इसी को ऊपर रख के। बाकी कपड़े को हमें इस तरीके से इसे फैला लेना है। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखना है और ऊपर से हमें लगभग इसमें 1.5 इंच नीचे करके रखना है। साइड से हम बिल्कुल सेम ही रखेंगे।
ये हमारा फ्रंट पार्ट है, नीचे बैक पार्ट है, तो उसमें हम इसके लिए एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। जो हमें सबसे पहले यहाँ पे आसन की तरह से 1.5 इंच ऊपर रखना है, ताकि हमें जब बैठते उठते हैं तो वो कपड़ा हमारा खींचे ना, वो एडजस्ट हो जाए। यहाँ से हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है आसन की तरफ से, और यहाँ से भी हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, और इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है ऊपर तक, इस तरीके से मिला के 2.5 इंच पे निशान लगा के। बाद में आप स्केल वगैरह या इंची टेप से मदद लेके आप इस तरीके से सीधी लाइन कर लीजिए इन्हें। ये बिल्कुल सीध में ही लाइन आनी चाहिए इसके। बाद में इसमें भी गोलाई देनी है हमें। यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हमें आगे की तरफ से झुकाव देना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें निशान लगा लेने हैं। साइड भी सेम ही निशान लगाने, साइड में हमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और उसके बाद सेफर पट्टी से इस लाइन को इस तरीके से मिला देना है। उसके बाद हमारा बैक पार्ट के भी निशान लग चुके हैं। अब इसे भी हमें इस तरीके से ही कट कर लेना है, सेम उसी तरीके से। ये देखिए हमारे दोनों पार्ट कट के तैयार हो चुके हैं। ये मैंने पॉकेट के लिए लगभग 11 इंच और ये 6 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है, और ये हमारी बेल्ट हमने कट कर ली है। इसके बाद मैं आपको इसकी पूरी स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ। तो ये हमारा हो चुका है। अब हमें सबसे पहले इसके जो आसन है वो स्टिच करने हैं। पहले फ्रंट पार्ट से अटैच करना है, और बैक पार्ट को बैक पार्ट से अटैच करना है। इसके बाद आपको स्टिचिंग करने में इसमें जो मेन काम होता है वो सिर्फ कटिंग का ही होता है। उसके बाद आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में आप तैयार कर सकते हो पैंट को, सिर्फ आपको कटिंग समझनी होती है। ये देखिए आसन हमारे स्टिच हो चुके हैं। अब हम दोनों ही पार्टों को इसके एक दूसरे के ऊपर रख के इसको साइड से स्टिच करना है। आसन को आसन के ऊपर रखते हुए, और बाद में हमें इस तरीके से साइडों में सिलाई लगा देनी है। ये देखिए साइड से हमारी सिलाई हो चुकी है, पॉकेट भी लगा चुकी हैं। पॉकेट आपको अगर देखनी हो तो मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, और उसमें देख सकते हैं मैंने किस तरीके से पॉकेट लगाई है। उसके बाद हमें जो इसकी मोहरी है वो तैयार करनी है। जितने पे हमने कट लगा रखा था इस पे 2 इंच पे, उसको हमें इस तरीके से रख के अंदर की तरफ फोल्ड करना है। चाहे तो आप प्रेस लगा के कर सकते हैं, या इस तरीके से हाथ से इसे सेट करके इस तरीके से मोड़ सकते हैं। आप इस पर तुरपाई या सिलाई दोनों ही कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है इस पर। मैंने इस पर सिलाई लगाई है, तो दूसरा भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। ये देखिए मोहरी भी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें हमें सिर्फ दो ही काम बचे हैं, एक तो बेल्ट लगानी है हमें, और नीचे से इसमें से बीच में सिलाई दे देनी है। तो पहले इसमें नीचे सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट को पहले आपको नाप लेना है कितना है, उसी के अकॉर्डिंग लगानी है। हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे। हमारा ये बीच से भी सिलाई हो चुकी है, और हमारी अब ऊपर बेल्ट भी हो चुकी है। अब सिर्फ इलास्टिक डालनी है। तो जितनी भी हमारी कमर है उसका हाफ करके आपको 4, उसमें से जितनी भी हमारी कमर की लेंथ होगी उसमें से आपको 4 इंच माइनस करना है, उतनी ही इलास्टिक आपके लिए परफेक्ट होगी। ये किसी भी साइज़ के लिए। अब देखिए किस तरीके से लुक आया है पैंट का, कितनी अच्छी फिटिंग आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती है। थैंक यू।